तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले बजाज पल्सर 150 के बारे में, जो कि इसका ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसका ब्लैक कलर और काफी ज्यादा डिमांडेबल बाइक है बजाज पल्सर 150। बट जो ये ब्लैक कलर है वो और भी ज्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि इसका जो लुक है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसकी जो शाइनिंग है, अगर ये बाइक को आप खरीदते हैं और इसको हल्का सा धो दें, गंदा हो गया, हल्का सा धो दें तो ये काफी ज्यादा शाइन करता है फ्रेंड्स। तो ये जो बाइक है वो काफी ज्यादा डिमांड में बाइक बिकती है, बजाज पल्सर 150 ब्लैक कलर। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फुल फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बजाज पल्सर बाइक में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस से। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, जो कि डाल्टनगंज जेपीएस बजाज का मैं बता रहा हूँ ऑन रोड प्राइस, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है 123,000 है इसका ऑन रोड प्राइस। और अगर मैं बात करूँ इसके माइलेज के बारे में, तो ये जो बाइक है आपको 45 to 50 माइलेज बड़े आराम से निकाल देता है जब आप हाईवे या फिर गांव में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये थे इसके फुल माइलेज और इसके प्राइस। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जब आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रंट में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे वाइजर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्लास पैनल का है और काफी ज्यादा अच्छा है और वर्क भी इसका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो लाइट है, अब लाइट देख सकते हैं फुल हैलोजन लाइट मिलता है इसमें आपको, और इंडिकेटर है वो आपको बल्ट मिलेंगे और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल मिलता है बजाज पल्सर 150 का इंडिकेटर, जो कि टूटने वाला है नहीं, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रंट में आपको मफगार्ड मिलेगा, फुल ब्लैक मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा वर्क के साथ आता है। जो यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ऑफ रोडिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो आपके ड्राइवर है उसके जो शोल्डर है उसको काफी ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करता है। टेलीस्कोपिक 31mm कन्वेंशनल फ्रॉक मिल जाता है, ये जो है कन्वेंशनल फ्रॉक है, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलता है और काफी ज्यादा एक पावरफुल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। ट्विन साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे इसके फ्रंट में, ट्विन साइड में रिफ्लेक्टर मिलेंगे। और जो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 260mm का मिलेगा और यहाँ पे आता है सिंगल चैनल ABS के साथ, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलेगा, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम का आपको बहुत ज्यादा ये आपको करता है, ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो फ्रंट टायर है, ग्रिपिंग आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ग्रिप्स के साथ मिलेगा, MRF कंपनी का आपको टायर मिलेगा। यहाँ पे आपको फुल अलाइवल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके इसके फ्रंट में, और देख सकते हैं जो ब्लैक और व्हाइट का जो फिनिशिंग लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टायर साइज आपको मिल जाता है 80-117 का, फ्रंट में आपको टायर साइज मिल जाएगा 80-117 का। तो फ्रेंड्स, ये थे फुल व्यू इसके फ्रंट का, आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू इसका बजाज पल्सर 150 का फ्रंट व्यू। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल के बारे में। तो जब आप इसको सेंटर से देखेंगे तो सेंटर में आपको यह पल्सर का बैजिंग मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत ही इसके लुक को एनहांस करता है। फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं कुछ इस लुक में मिलेगा आपको फ्यूल टैंक। और यहाँ पे टैंक कैप्स देख सकते हैं, टैंक कैप्स के ऊपर ग्राफिक्स मिलेंगे जो कि अच्छे लगते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको फुल डिजिटल मिल जाता है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका जो यहाँ पे RPM है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल आपको लाइट्स मिल जाएगा जो कि RPM लाइट है, इंडिकेटर मिल जाएंगे और कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। जब आप इसके हैंडल को देखेंगे फ्रेंड्स, तो हैंडल इसका स्प्लिट स्कर्ट के साथ आता है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके हैंडल पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे पास लाइट, लाइट को ऑन ऑफ का ऑप्शन, इंडिकेटर का ऑप्शन, हॉर्न का ऑप्शन, और इधर मिल जाता है इंजन ऑन ऑफ का, यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन, किक के भी साथ आता है, किक भी आपको इसमें मिलेगा 150 में। और जो यहाँ पे फ्यूल टैंक है वो आपको मिल जाता है 15 लीटर का, फ्यूल टैंक आपको 15 लीटर का मिल जाएगा। ये आपको बैटरी कवर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको बैटरी मिल जाता है, और बैटरी कवर के ऊपर यहाँ पे आपको कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो इंजन सेक्शन है, 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क BS6 DTSI FI इंजन मिलेगा। यहाँ पे जो इंजन है वो काफी ज्यादा प्यूरिफाई है, इंजन के नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाएगा, और जो इंजन है 14 PS 8500 RPM देती है, मैक्सिमम टॉर्क आपको देगी 13.25 न्यूटन मीटर 6500 RPM की। और ये जो बाइक है वो 5 स्पीड के साथ आती है, यहाँ पे 5 स्पीड गियर लगाने के मिल जाएगा, फुट स्टेप्स मिल जाएंगे, सिंगल और डबल स्टैंड के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको मफ गार्ड मिलेगा वो फुल मेटल का मिलेगा, ये देख सकते हैं फुल मेटल का मफ गार्ड मिलेगा। और जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फील्ड आपको सस्पेंशन मिलता है। और रियर टायर की बात करो तो फ्यूल ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं फ्यूल ट्यूबलेस टायर मिलता है, टायर के ऊपर टायर गार्ड मिलेगा। और आपको दिखा देता हूँ कि रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ये डिस्क ब्रेक नहीं मिलता आपको रियर में। जो अलाइवल्स मिलेगा वो काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ आएगा, यहाँ पे ब्लैक व्हाइट का आपको यहाँ पे टेक्सचर्ड मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक व्हाइट का स्टिकर मिल जाएगा। जो टायर साइज है 100-90-17 का आपको टायर मिल जाता है, और जो रियर जो एग्जॉस्ट है उसमें ब्लैक कलर फिनिशिंग मिलेगा, क्योंकि ये बाइक जो ब्लैक कलर की है तो ब्लैक यहाँ पे फिनिशिंग मिलेगा। एग्जॉस्ट काफी ज्यादा बिग मिलता है, जिससे इसकी जो गर्म हवा है जल्दी निकल जाती है, तो इंजन काफी ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। मैंने बता दिया यहाँ पे किक का भी ऑप्शन मिलेगा,
और जो सीट कंफर्ट है आप देख सकते हैं सिंगल सीट वाला ये बाइक है, तो यहाँ पे जो सीट कंफर्ट है काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छा कंफर्ट के साथ मिलने वाला है। पिलोन के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्ट रहता है। रियर में ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा जो कि क्लोज टाइप है और 150 का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगा। और यहाँ पे जो टेल लाइट्स है फुल आपको LED टेल लाइट्स मिल जाता है, इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं, नंबर प्लेट के ऑप्शन, रिफ्लेक्टर का ऑप्शन, मफ गार्ड आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल मिल जाता है। फ्रेंड्स ये था फुल डिटेल्स रिव्यू बजाज पल्सर 150 सिंगल सीट का। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।